नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान विहार विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में तमारु स्वागत है। आज आपणे भणीशुं धोरण 5 विषय छे हिंदी। तो एमां आपणे पेपर स्टाइल मुजब रिविजन करीशुं। तो एमां पेपर स्टाइल मुजब प्रश्न नंबर 3 जे छे समानार्थी शब्द, एमां काव्य 3 में आप्या छे समानार्थी शब्द। तो राही तो मुसाफिर ने पंथी, सिपाही तो फौजी ने सैनिक, धरती तो पृथ्वी ने धरा, रास्ता तो पंथ राह, मंजिल तो लक्ष्य अने ध्येय, नन्हा तो छोटा, दम तो सास, वतन तो देश, व्यवहार तो आचरण अने व्यवहार, सॉरी चलन तो व्यवहार अने आचरण। पछी प्रश्न नंबर 3 ब पेपर स्टाइल मुजब तो विरुद्धार्थी शब्द छे। तो ए जोशु विरुद्धार्थी शब्द। जीना तो मरना, आगे तो पीछे, दाया तो बाया, धूप तो छाँव, धरती तो आकाश, बड़ा तो छोटा, ऊंचा तो नीचा, शांति तो अशांति, प्यार तो नफरत, अंधेरा तो प्रकाश, पास तो दूर, कठिन तो सरल, ज्यादा तो कम, अंदर तो बाहर। आ विरुद्धार्थी शब्द जोया। पछी पेपर स्टाइल मुजब प्रश्न नंबर 4 अ आप्यो छे, ई छे निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। एटले वाक्य आप्युं होय तमने हिंदी में एनुं शुं करवानुं, गुजराती में भाषांतर करवानुं। तो एमां पहेलुं जोईए, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो शुं थाय एनुं गुजराती? तो के कमल आपणुं राष्ट्रीय फूल छे। पछी बीजुं, मधुमक्खिया फूल पर बैठती है। तो के मधुमक्खियों फूल पर बैसे छे। त्रीजो, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो मने बड़दगाड़ा में बैसवानू गमे छे। पछी चौथों, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते है। ऑटो रिक्शा ने 3 पैडा होय छे। पछी पांचमों, मुझे हिंदी बोलने में मजा आया। तो मने हिंदी बोलवामां मजा आवी। पछी छे छठ्ठू, मैंने बस का टिकट लिया। मैं बस की टिकट ली थी। मैंने आम खाया। तो मैं केरी खाधी छे। त्यार पछी काव्य 3 में आप्या छे आपणने निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। एमां पहेलुं, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। तो शुं के, हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। तो अहीं लीला लीला खेतरो लहराशे। पछी त्रीजू, मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। हूँ दुनिया ने आँखों तारो बनीश। मेरा देश शांति की नगरी है। मारो देश शांति की नगरी छे। पांचवा, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। तो हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार सीखीश। मैं देश का सिपाही हूँ। हूँ देश नो सैनिक छू। त्यार पछी आपने छे प्रश्न नंबर 4 ब मां मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। एमां पहेलुं, मर मर कर जीना। तो बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना, एनो अर्थ शुं थयो? तो के बहुत कष्ट करते हुए जीना। वाक्य मां देशभक्ति मर मर कर जीते है, पर देश की सेवा करते है। देशभक्त लोको जीवो ईसु मरी मरी ने जीवता है, परंतु शू करे छे? देश ने सेवा तो करे ज छे। बीजू, दम लेना, तो आराम करना।
वाक्य में मैं सफलता प्राप्त किए बिना ही दम नहीं लूंगा। पछी त्रीजो पसीना बहाना बड़ी मेहनत करना। वाक्य में किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। पछी चौथो आँखों का तारा बहुत प्यारा। वाक्य हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। तो शू आपणे शू जोयो मुहावरो प्रयोग जोयो। पछी प्रश्न नंबर 5 आप्यो छे निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे एवुं छे। तो एमां पहेलो प्रश्न जोईए ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो कि एवा कार्य बताओ जे तमे देश सेवा माटे करवा मांगो छो अथवा तो करो छो। तो एमां जवाब में मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, मैं पानी की बचत करूंगा, मैं बिजली की बचत करूंगा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, मैं कूड़ादान में ही कूड़ा डालूंगा। पछी बीजो प्रश्न अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो जवाब में डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। पछी त्रीजो हमें अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो एमां हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते क्योंकि उसमें 3 रंग है, केसरिया सफेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। समझाणू तो आपणे अहीं आजे प्रश्न नंबर 3 समानार्थी विरुद्धार्थी गुजरातीमां अनुवाद करो पछी मुहावरे का अर्थ 2-3 वाक्यों में ए बधुं पेपर स्टाइल मुजब जोई लीधुं समझी लीधुं। तमारे पण आवी ज रीतना पेपर स्टाइल मुजब तैयारी करवानी छे। परीक्षा नजीक आवी रही तो सरस मजानी पेपर स्टाइल मुजब तैयारी करी लेजो। तो हवे पछीनो अभ्यास आपणे बीजा विडियोमां करीशुं। नमस्ते, धन्यवाद।